आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में माउंट आबू में शुरू हुई राज्य स्तरीय पंचकर्म चिकित्सा पद्धति कार्यशाला में प्रदेश के 46 पंचकर्म केंद्र प्रभारी भाग ले रहे हैं। राज्य के कोऑर्डिनेटर समन्वयक डॉक्टर बी डी शर्मा के निर्देशन में शुरू हुई कार्यशाला में माउंट आबू के आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कांतिलाल माली एवं जाने माने चिकित्सक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल के निर्देशों की पालना में सभी राज्य के प्रभारी चिकित्सकों ने अवलोकन किया। माउंट आबू की पंचकर्म चिकित्सा का किस प्रकार से राज्यों में माउंट आबू के मॉडल के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा को श्रेष्ठ बनाएं और राजस्थान की जनता को बेहतर पंचकर्म चिकित्सा दे, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने राजस्थान आयुर्वेद विभाग के सहायक निर्देशक डॉक्टर बी डी शर्मा से बातचीत की तो आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पंचकर्म चिकित्सा को हमारे यहाँ शोधन चिकित्सा का नाम दिया है। दो चिकित्सा के दो प्रकार में बांटा गया, संस्मन और संशोधन। संस्मन चिकित्सा से तात्पर्य तो हमारा ये होता है कि हम प्रत्येक आयुर्वेद औषधालय और चिकित्सालय के अंदर दवाइयों के माध्यम से हम रोगों को ठीक करते हैं। संशोधन चिकित्सा वो चिकित्सा है जो जीर्ण स्वरूप की व्याधि है या जो लाइलाज बीमारी है, तो उनके लिए हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं पंचकर्म का, और उनके द्वारा ऐसी बीमारियों को लेते हैं जो कि जीर्ण स्वरूप की है और दोबारा से जिनका उत्पन्न नहीं हो। तो उसी क्रम में जैसे आज हमने हमारी इस कार्यशाला में डिसाइड किया कि फाइब्रॉइड जो कि महिलाओं का रोग है, जनरल बीमारी है, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय हिस्टेरेक्टोमी के। ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर्स द्वारा कुछ चुनिंदा सेंटरों पर इस पर वर्क किया गया है। इसी प्रकार के दूसरे जैसे MND के ऊपर हमारे यहाँ आबू वाले चिकित्सालय के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, साइटिका पे काम किया है और बहुत बेहतरीन जो है परिणाम मिले हैं, जैसा कि यहाँ फीडबैक में रोगियों ने मुझे बताया है। तो इस दिशा में हम कुछ चुनिंदा बीमारियों को प्रत्येक सेंटर पर डिसाइड करके टास्क के रूप में और प्रत्येक सेंटर का टास्क डिसाइड करके और काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार द्वारा पंचकर्म की जो हमारी विधा है उसको दिनों दिन विस्तार प्रदान किया जा रहा है, और हमारा प्रयास ये है कि जो लाइलाज बीमारी है उसको आयुर्वेद विभाग की इस संशोधन चिकित्सा के माध्यम से हम आम जन तक और लोगों के स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करें, यही हमारी मंशा, यही हमारी विभाग की मंशा, यही हमारी सरकार की मंशा। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।